नमस्कार, स्वागत है आपका NN24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। तालझारी थाना क्षेत्र में बीती रात हथियार के बल पर अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इस लूटकांड में शामिल लुटेरे गैंग के 4 सदस्यों को देसी कट्टा और लूट के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि 13 सितम्बर को तालझारी थाना क्षेत्र के करमपुरा इलाके में हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने की सूचना तालझारी पुलिस को मिली, जिसके बाद तालझारी थाना प्रभारी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उस लुटेरे गैंग के 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जिसके पास से देसी कट्टा और लूटे गए मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ लूट में प्रयुक्त किए गए 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त किया और लुटेरे के पास से उसका 2 मोबाइल भी बरामद किया गया है। इस लूट की घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपी तालझारी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और उन्हें हथियार के बल पर उनका मोबाइल छीन कर भागने लगे। इस सूचना पर थाना प्रभारी तालझारी ने त्वरित कार्रवाई किया और चेकिंग के दौरान उन्हें चिन्हित करते हुए रोकने का प्रयास किया, किंतु वह उनको चकमा देकर आगे भागे। फिर इन लोगों ने पीछा करके उसे पकड़ने में 4 लोगों को सफलता हासिल की, जिसमें एक का नाम कन्हई पंडित, दूसरा का नाम मनोरंजन कुमार, तीसरा का नाम धर्मम और चौथे का नाम विष्णु मंडल। और इनके पकड़ाने के पश्चात इनके पास से एक देसी कट्टा और वादी का लूटा हुआ मोबाइल तथा लूट में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।